लेंगे अपना इंडियन वाला तो कितना वापस मिलेगा? पैसा नहीं लेंगे, इंडियन नहीं लेंगे आप क्या? तो इसका फुट कर दे दोगे क्या आप? नहीं हो पाएगा। तो भाई अपना यहाँ पे बहुत सारा बियर रखा हुआ है, गोरखा बियर भी है, और यहाँ पे लोकल जो यहाँ का लोकल दारू होता है वो भी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तो भाई नीचे से गंगा जी और ऊपर से गाड़ी चल रहा है, देख सकते हैं। तो फिर से ऑफ रोडिंग, पूरा ऑफ रोडिंग चालू हो चुका है यहाँ पे। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉगिंग का स्टार्टिंग हो रहा है काठमांडू मेन सिटी से। जस्ट अभी काठमांडू सिटी क्रॉस करके 1 किलोमीटर बाहर निकले हैं, और देखो भाई पीछे का नजारा एकदम खतरनाक। घाटी यहाँ पे है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है जो वो पहाड़ के ऊपर वहाँ पे आदमी जाता कैसे है, और वहाँ पे देखो घर भी बना के आदमी रह रहा है। काफी सारा कॉमेंट आया था आप लोग का कि भाई आप काठमांडू जा रहे हो तो मनोकामना देवी जरूर दर्शन करने जाना, और वहाँ का क्या चीज है सब कुछ अच्छे से घुमाना। तो अपना गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे गाइड साहब यहाँ पे अपने साथ में है। अभी हमको ये 3 दिन और घुमाएंगे नेपाल, क्या भैया? अभी 3 दिन। और फिलहाल चिप्स लेने के लिए रुके थे दुकान पे, ये भाई चिप्स ले लेते हैं खाने के रास्ते में, भैया पकड़िए। और यहाँ पे देखो बियर भी मिल जाएगा और दारू भी मिल जाएगा, हर एक चीज का कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई अपना यहाँ पे बहुत सारा बियर रखा हुआ है, गोरखा बियर भी है, और यहाँ पे लोकल जो यहाँ का लोकल दारू होता है वो भी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। भाई ये जो चिप्स हमने खरीदा है इसका दाम है 100 रुपया नेपाली में। तो अभी कितना देना पड़ेगा, मतलब हम ये 100 रुपया देंगे अपना इंडियन वाला तो कितना वापस मिलेगा? पैसा नहीं लेंगे, इंडियन नहीं लेंगे आप क्या? लीजिए मैडम ये आपको नेपाली 100 रुपया दे दिया मैंने, तो इसका फुट कर दे दोगे आप? नहीं हो पाएगा। पोषण चला रहा है गाड़ी, ठीक है, काफी देर से बोल रहा है भाई हम चलाएंगे हम चलाएंगे। कल रात को भी भयंकर भाई नींद आ रहा था, तो पोषण इस घाटी से लेके आया, फिर इसको नींद आने लगा, फिर हम संभाले, मतलब कैसे कैसे हम लोग पहुंच गए, और टाइम से अपना गाड़ी भी खाली हो चुका है। यहाँ पे देखो एक लाइन से टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट करने के बाद आप अपना पैसा इसमें, ये देखो पैसा इसमें डाल के चले जाओ, किसी को देने का यहाँ पे जरूरत नहीं हाथ में। टॉयलेट करो, पैसा इसमें डालो और निकलो अपने अपने रास्ते में। पोषण का जो बैग है इसको पीछे रखा जा रहा है क्योंकि थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे रख दीजिए भैया। हम लोग अभी निकलेंगे आगे। आप लोगों को नेपाल टूर कैसा लग रहा है हमारा कमेंट करके जरूर बताइए, और हिम्मत दीजिए लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा। आराम से चलो। हम लोग फिलहाल घाटी से नीचे उतर रहे हैं, और ये जो घाटी है यहाँ पे टनल भी बनाया जा रहा है। टनल अगर बन जाएगा ना तो ये जो घाटी हम लोग चढ़ के कल रात को आए इतना तकलीफ हुआ, ये तकलीफ भाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा। ये सरकार काफी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जड़ी बूटी भर भर के है। नेपाल में बहुत जड़ी बूटियां है, जिसको पता है वो अपना निकाल के बेच रहा है, खा रहा है। भाई चेक कर रहे हो, एकदम खतरनाक वाला हाईवे है यार ये देखो भाई एकदम नीचे। हुसैन आराम से भाई। हाँ अभी मैंने पीछे एक पहाड़ देखा, एकदम ऊपर सफेद सफेद दिख रहा था, भैया से मैंने पूछा, भैया बोला ऊपर बर्फ गिरा हुआ है। सोचो यहाँ पे बर्फ भी गिरता है, हमें ये चीज जीरो नॉलेज था, आज मैंने अपने आंखों से देख भी लिया। तो आप लोगों को दिखाएंगे, अगर कैमरा से कैप्चर हो पाएगा दिखाएंगे, पहले ये टर्निंग को नीचे उतरते हैं। तब वर्तमान समय में नेपाल का जो डीजल का दाम है वो बढ़ चुका है, अभी हम लोग डीजल भरवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे क्या रेट का डीजल मिल रहा है। पहले 65 रुपए या फिर 70 रुपए लीटर था बहुत पहले जब हम एक बार आए थे, और अभी पता चल रहा है कि इंडियन 100 रुपए लीटर हो गया है। कोई अगर आ रहे हो सोच रहे हो कि भाई नेपाल में तेल सस्ता मिलेगा भरवा लेंगे, भाई ऐसे अफवाह मत आना, इंडिया में टंकी फुल करवा के आना। तो भाई यहाँ पे देखो टनल का काम चल रहा है, ये देखो ये पूरा यहाँ पे टनल का काम चल रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा लेकिन भाई टाइम तो लगता ही है। इधर साइड में लगा दिया, अभी थोड़ा चाय पियेंगे, चाय का मैंने ऑर्डर दे दिया, भैया अभी चाय बना रहे अपना, आप भी पियेंगे ना? चलिए ठीक है तब। तो अभी हम पीने वाले हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के बिना अपना जिंदगी है अधूरी। वैसे तो ज़्यादा चाय के शौकीन अब है नहीं, लेकिन कभी कभार मन करता है तो पी लेते हैं। लग चुका है नेपाली चाय,
चाय अपना हो चुका है कंप्लीट, अब चाय पीने के बाद निकल लेते तो उसमें पैसा भी दे देते हैं। तो ये भाई नेपाली नोट, भैया कितना हो गया भाई? 90 रुपया, 3 चाय 75 रुपया, मतलब 25 रुपया नेपाली के हिसाब से एक चाय का रेट है। लो भाई ये 100 का नोट है। अब गाड़ी ड्राइव हम करने वाले हैं, और एक चीज़ आपको बता दें, आज हम ओसन और हमारे गाइड साहब ये सोचे हैं कि हम लोग रात को खाने में चिकन बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट में चिकन मिल नहीं रहा है। अब पहाड़ पे जाके खोज करके हम लोग पहाड़ पे जाएंगे, और पहाड़ से खोज करके फिर चिकन हम लोग लेके आएंगे, चिकन लेके आएंगे, और चिकन चावल पीछे गाड़ी बनेगा, और हम लोग लेंगे होटल। होटल पे वाईफाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का एकदम मतलब एकदम बोकस चल रहा है इंटरनेट, हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पाएंगे तो टाइम से आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा वीडियो। तो हम सोच रहे हैं अगर नेपाल में है तो टाइम टू टाइम वीडियो भी आप लोगों के पास अपडेट देते रहे। और हमारे बाबा जी को रुद्राक्ष का माला भी पहना दिया गया है, पोषण पहना दिया। हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर, आपको पता ही है, तो वहीं से हमें मिला था, तो हमने सोचा कि बाबा जी को पहना देते हैं। तो भाई नीचे से गंगा जी और ऊपर से गाड़ी चल रहा है, देख सकते हैं, और व्यू एक नंबर। ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ चला गया है, ये चाइना जाएगा सीधा, यहाँ से चाइना बॉर्डर, दलची है ना, ये दलची से रोड घूम जाता है चाइना के लिए। तो हमको लगता है कि 200 या फिर 280 किलोमीटर से चाइना बॉर्डर पड़ेगा। शाम का 5 बज चुके हैं, और ये रहा कुछ पहाड़ का व्यू, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे किसान लोग अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं, सब ट्रक में लोडिंग करवा रहे हैं। ये देखो भाई पहाड़ के ऊपर भाई का गाड़ी खराब हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये भी काठमांडू खाली करके आ रहा है, ये भाई कानपुर का गाड़ी है, ये शायद लेके गया था पपीता, ये पपीता वाली गाड़ी था भाई, खाली करके ये वापस बॉर्डर की तरफ जा रहा है। ये चेक कर रहे भाई, अभी पहाड़ के पीछे थे तो धूप पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरे ना, पूरा एकदम आंखों में धूप लग रहा है। देखो शाम का 5 बजे, अब खत्म, फिर से खत्म। वैसे तो भाई नेपाल घूमने लायक एकदम एक नंबर जगह है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा आपको मस्ती नहीं करना, मतलब एकदम नॉर्मल रहना है। और यहाँ पे घर देख रहे हो पूरा एकदम पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। भाई यार मेरा मन कर रहा है नहा ले, ये है गंगा जी, पता नहीं पानी यहाँ पे कहाँ से आ रहा है ये तो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत है, हो सकता है पहाड़ से निकल रहा हो, पूरा पत्थर गिरा हुआ है, कहीं पे भी गाड़ी साइड लगा के नहा सकते हैं, लेकिन भाई शाम हो चुका है। और ये देखो कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है पोषण, अरे यार बैठे बैठे कमर उमर दर्द हो गया। और इधर हमारे गाइड साहब, नेपाल टूर प्लान करो भाई परिवार के साथ, आओ पशुपतिनाथ जरूर घूमना अगर कभी आ रहे हो नेपाल, और मनोकामना देवी जरूर घूमना, पोखरा जाओ या मत जाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दो जगह जरूर आप लोग घूमना। थोड़ा सा सही रोड आया, उसके बाद फिर से ऑफ रोडिंग, पूरा ऑफ रोडिंग चालू हो चुका है यहाँ पे, बिना ऑफ रोडिंग का आप नेपाल में निकल नहीं सकते हो भाई। देखो ये देखो भाई, यार ये वाला कैंपर काफी अच्छा लगता है मुझे, 4x4 भी है, और ये स्कॉर्पियो का कैंपर है, ठीक है, बुलेरो का तो कैंपर देखा होगा, स्कॉर्पियो का कैंपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है, और हेलेक्स भी चलता है, टोयोटा का, फॉर्चुनर का भी चलता है बहुत सारा, तो काफ़ी महंगा महंगा गाड़ी नेपाल में भी है।
शाम होते ही पहाड़ पे जाम लगना हो चुका स्टार्ट। देख सकते हैं पहाड़ पे किस तरीके से यहाँ पे जाम लग जाता है। भाई बहुत लंबा जाम लग गया यार। शाम का 7 बज चुके हैं, हम लोग मनोकामना देवी मंदिर के आसपास रुके हुए हैं, तो हम लोगों को अपना गेस्ट हाउस मिल चुका है गाइस, और इधर अपना गाड़ी भी लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रात को यहीं पे स्टे करने वाले हैं, मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, आपको मॉर्निंग में सब कुछ दिखाएंगे भी या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो फिलहाल यहीं पे खाना है सब मिल जाएगा, खाना खा के यहीं रेस्ट करने वाले हैं। अभी रूम भी तो अभी हम लोगों के लिए खाना भी बन रहा है, तो अभी पूछते हैं क्या खाना बन रहा है, क्या बना रही है खाने में? 3-4 आलू गोभी, अच्छा बहुत सारा खाना बनेगा, आप लोगों को दिखाएंगे क्या खाना। और देखो होटल भी यहीं पे मिल गया और खाने का भी यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहीं जाना नहीं है, तो यहाँ पे किचन है, सब कुछ यहीं पे बनेगा, ताज़ा ताज़ा सब कुछ। देखो पूरा किचन का यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो अपना सब्जी कटना चालू हो चुका है। ये देखो तो भाई आ चुके अपने रूम पे, तो ये कुछ अपना रूम, हमारे गाइड साहब इधर सो जाएंगे और हम और पोषण इसमें सो जाएंगे। मस्त इसका बिस्तर भी काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें 2 लोग और सिंगल, मतलब 3 लोग हैं तो अलग अलग सो सकता है आराम से, कंफर्टेबल हो गए। देख रहे हो ये देखो, नेपाल आए हैं, एक सपना था कि चलो यहाँ पे मोमोज भी खाएंगे, देखते हैं यहाँ का कैसा टेस्ट होता है। तो हमने चिकन मोमोज लिया 1 प्लेट और नेपाली में 150 रुपये का है। बच्ची देख रही थी, टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। ये देखो चटनी है, अपने वहाँ से कुछ यूनिक टेस्ट है भाई, मज़ा आ रहा है। तो भाई रात का डिनर का टाइम हो चुका है, अपना लग चुका है खाना, तो दिखा दो पसंद इधर। तो यहाँ पे भाई चावल दही और दाल और आलू गोभी भुजिया, इधर एक साग, इधर एक करेला भुजिया, इधर आलू भुजिया, और ये भी किसी साग का भुजिया है, और सलाद है, चटनी है, पापड़ है, भाई बहुत सारा खाना है। तो चलिए फिनिश करते हैं, उसके बाद सोएंगे, कल सुबह मिलते हैं डायरेक्ट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जस्ट अभी सो के उठे हैं और अभी हम लोग को जाना है यहाँ से मनोकामना देवी टेम्पल, जो कि एकदम ऊपर हाईएस्ट ऊपर होता है, लिफ्ट से जाना जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारे गाइड साहब भी उठ के नीचे चले गए फ्रेश होने के बाद, पोषण गया है गाड़ी का चाबी लेके, कुछ काम है गाड़ी पे उसको, तो देख सकते हैं रूम पे फिलहाल अभी हम अकेले हैं, तो थोड़ा सा कैमरा को चार्ज लगाते हैं क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको हर एक चीज़ दिखेगा वहाँ पे। वही रूम हमको ना काफ़ी सस्ते रेट पे मिल गया था, मतलब नेपाली 1000 रुपये में 3 लोग को रहने के लिए, तो इंडिया का होता है 650 या फिर 625 रुपये कम से कम, ऐसा कुछ हो रहा है। तो रूम काफ़ी अच्छा है अपना, 3 लोग हम लोग यहीं पर पड़े थे रात भर, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फिर, तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा। पोषण भी यहाँ पे आ चुका है, पोषण कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूम पता है ना कितने मिला है, कितने में? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है ना, चलो यहाँ का रूम देखिए बहुत सस्ता है भाई। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं एक अलग वीडियो में।